नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन कावेरी के बारे में। ऑपरेशन कावेरी जो कि एक्चुअली में एट प्रेजेंट काफ़ी न्यूज़ में है, आज के इस वीडियो में जानेंगे क्या है ऑपरेशन कावेरी, साथ ही इससे जुड़ी कुछ अन्य प्रमुख जानकारी को भी आज के इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में जो सूडान है, सूडान जो कि एक्चुअली में एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, यहाँ एट प्रेजेंट गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, ठीक है, और यह गृह युद्ध पिछले 10 दिनों से लगातार जारी है। यह जो गृह युद्ध है यह मुख्यतः सूडान के अंतर्गत जो सूडान की आर्मी है और सूडान की जो पैरामिलिट्री ग्रुप्स हैं, इन दोनों के बीच में लगातार संघर्ष जारी है। और इस संघर्ष के तहत मुख्यतः जो सूडान की सत्ता है, ठीक है, उसे हासिल करने की कोशिश यहाँ पर लगातार पिछले 10 दिनों से की जा रही है। और इसी बीच यानी कि इस कोशिश में, इस संघर्ष में, ठीक है, इस लड़ाई में तकरीबन 400 लोगों की मृत्यु भी अब तक हो चुकी है और तकरीबन हज़ारों से भी ज़्यादा लोग इसके अंतर्गत घायल हो चुके हैं। अब इन्हीं सब के बीच सूडान में कई सारे भारतीय भी फंसे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक सूडान में तकरीबन 3000 भारतीय फंसे हुए हैं और उन 3000 भारतीयों को 100 कुशल भारत लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की गई है। इस ऑपरेशन कावेरी के अंतर्गत जो पहला जत्था होगा, इसके तहत तकरीबन 278 लोगों को सूडान से भारत लाया जा रहा है। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि इस ऑपरेशन कावेरी के अंतर्गत इंडियन नेवी और साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स के 2 एयरक्राफ्ट जिनमें C-130 है, ठीक है, और साथ ही साथ जो इंडियन नेवी है इसका INS सुमेधा, ठीक है, ये दोनों से जो भारतीय सूडान में फंसे हुए हैं उन्हें वापस से भारत लाया जा रहा है। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि जो एयरफोर्स है यह अपने जहाज को सऊदी अरेबिया के जेदाह में रखी हुई है और वहाँ से लोगों को मतलब इंडिया लाया जा रहा है, जबकि जो INS सुमेधा है यह एक्चुअली में सूडान के पोर्ट पर स्थित है और वहाँ से लोगों को भारत ला रहा है। तो इस तरीके से जो भारतीय सूडान में फंसे हुए हैं उन्हें इस ऑपरेशन कावेरी की मदद से भारत वापस लाया जा रहा है। अब बात करें कि आखिर ये नाम कावेरी ही क्यों पड़ा। ध्यान रखना है कि जो कावेरी है यह एक्चुअली में दक्षिण भारत की काफ़ी प्रसिद्ध और पवित्र नदियों में से एक है। इवन दक्षिण भारत में जो कावेरी नदी है इसे कावेरी अम्मा यानी कि माँ कावेरी के नाम से भी जाना जाता है। और जिस तरीके से जो नदियाँ हैं यह हज़ारों बाधाएँ सहते हुए वापस से अपने तट पर पहुंचती हैं, ठीक उसी तरीके से ऑपरेशन कावेरी की मदद से लोगों को चाहे कितनी भी बाधाएं आए उन्हें वापस से अपने स्थान यानी कि उन्हें वापस से भारत लाया जाएगा इस ऑपरेशन कावेरी की मदद से। अब बात करते हैं, अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा अलग अलग देशों में कुछ ऑपरेशन चलाए गए थे जो कि आपने ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से जो एक आता है यह है ऑपरेशन गंगा। ध्यान रखना है कि जो ऑपरेशन गंगा है इसे एक्चुअली में भारत सरकार के द्वारा जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस दौरान यूक्रेन में रह रहे लोगों को वापस से भारत लाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। नाम ध्यान रखना है ऑपरेशन गंगा। इसके साथ ही साथ एक और ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था जब अफगानिस्तान में तालिबान का इंट्रूजन हुआ था, उस दौरान में भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था और अफगानिस्तान में मौजूद भारतीयों को वापस लाया गया था। इसके अलावा ध्यान रखना है भारत सरकार के द्वारा भी हाल ही में एक ऑपरेशन दोस्त भी चलाया गया था। इस ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित टर्की और सीरिया में बचाव और राहत सामग्री भेजी थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसके अंतर्गत हमने बात की ऑपरेशन कावेरी के बारे में। आशा और उम्मीद कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।